Hello dear student, today we will solve a problem and the problem is given. ठीक है dear student, आज हम लोग एक question solve करेंगे और question आपको दिया गया है. क्या कह रहा है question में? Calculate the amount of water. ठीक है, और ये water का phase क्या है? Gas है. So calculate the amount of water produced by the combustion of 16 gram of methane. मतलब आपसे कह रहा है वाटर का अमाउंट कितना होगा जब हम मेथेन का कम्बस्टन करेंगे, और मेथेन कितना है? 16 ग्राम. तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक केमिकल इक्वेशन फॉर्म करेंगे. ठीक है, और केमिकल इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा? हमने क्या करना है, मेथेन तो दिया है आपका, मेथेन का कम्बस्टन करा रहे हैं, तो मेथेन को कम्बस्टन जब आप कराएंगे तो आपको क्या चाहिए? कम्बस्टन मतलब दहन या जलाना. तो इसको जला रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो मेथेन प्लस ऑक्सीजन ये क्या हो गया है? कम्बस्टन हो गया. इतनी प्रोसेस आपकी कम्बस्टन में आ गई है. चलिए, कम्बस्टन हो गया. कम्बस्टन के बाद आपको क्या कह रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर वाटर लिख लेना है. ठीक है, यहाँ पर कुछ और मटेरियल बनेगा. सपोज हमने ए लिख दिया एंड वाटर लिख दिया है. ठीक है, और ये वाटर का फेस क्या है? गैस में है. अब अगर गैस में वाटर है तो गैस में मेथेन भी रहेगा, ऑक्सीजन भी गैस रहेगा, और जो ए आएगा वो भी गैस में रहेगा. चलिए, मेथेन के मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखते हैं, कितना होता है CH4, इट मीन मेथेन, और ये गैस फेस में है. देन ऑक्सीजन O2 है, ये गैस फेस में रहा, कम्बस्टन करा दिया हमने. ए क्या है? ए अभी आपका देखिए, पहले हम वाटर बना लें, वाटर का हो जाएगा H2O गैस. अब बात करते हैं ए, ए में क्या हमको देखिए यहाँ C लिखना है क्योंकि यहाँ C आया है, और ओ सी ओ लेके मिला देंगे तो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जा रहा है. ठीक है, अब देखिए ये केमिकल फार्मूला हमारा फॉर्म हो गया है, जिसमें हमने क्या किया है, मेथेन ले लिया है, मेथेन का कम्बस्टन किया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हुआ है. हमको क्या चाहिए, 16 ग्राम ऑफ मेथेन ये कह रहे हैं, 16 ग्राम मेथेन कर. देखिए मेथेन अगर हम कार्बन ले लें, कार्बन का होता है 12 और 4 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 ग्राम हमने क्या कर लिया है, मेथेन ले लिया है. अब 16 ग्राम मेथेन का हमने कम्बस्टन किया. ठीक है, तो कितने आपके वाटर मिलेंगे ये फॉर्म करना है. बट इससे पहले आप इसको बैलेंस कर लीजिए, इक्वेशन को बैलेंस नहीं है, 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो आप यहाँ 2 कर दीजिए, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन 2 4 ऑक्सीजन 2 एंड 2 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया. ठीक है, अब सब बैलेंस हो गया है. तो देखिए 16 ग्राम से आप कितना वाटर फॉर्म करेंगे ये पूछ रहा है, तो वाटर का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे या मास निकालेंगे, तो H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन मीन 16 हो गया, 2 1 या 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 हो गया, और 2 मोल है तो 2 इंटू 16 है 18 हो गया, तो 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 ग्राम. इट मीन्स जब हम 16 ग्राम मेथेन का कम्बस्टन कराएंगे तो आपको 36 ग्राम वाटर मिलेगा. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 36 ग्राम H2O वाटर आ गया, वो भी गैस में. ठीक है, देन अब देखिए एक तो समझ में आ गया होगा, दूसरा क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं, पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कम्बस्टन. अब की बार ये कह रहे हैं कि हमको मेथेन ले कितने मेथेन के कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी जिससे आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाए. तो इसके लिए हमने क्या करना है, रिएक्शन पहले लिख लेना है. रिएक्शन हमने लिख दिया, क्या करना है, मेथेन का कम्बस्टन करना है, तो CH4 वही ऊपर वाला रिएक्शन लिख दीजिए, वही है, प्लस O2 गैस, इट गिव दैट CO2 गैस प्लस 2H2O गैस. ठीक है, अब देखिए आपको क्या कह रहा है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिया गया है, 22 ग्राम हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया. अब कितना मेथेन चाहिए इसके लिए, इसको कितना
हम कितना मीथेन ले लें कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाए। तो नॉर्मली देखिए, अगर हम बात करते हैं मीथेन के लिए, ठीक है ना, CH4 के लिए, तो CH4 का जब हम वो निकालते हैं, मास निकालेंगे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते, देखिए क्या होता है, C1 हो गया और C12 हो गया, और 4 12 4 15 ग्राम ये आपका हो गया था, और ये क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 है, तो 16 2 जा 32, और प्लस 12, तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम हो गया। ठीक है, नॉर्मली क्या हो गया है, हमने CH4 16 ग्राम लिया है, तो 44 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 16 ग्राम CH4। हमने जो है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड तब मिला है जब 16 ग्राम मेथेन को हमने कम्बस्टन कराया था, ठीक है ना। चलिए, ये तो नॉर्मल हो गई। अगर इसी को हम मोल में बात करें कि कितने मोल लिया, तो देखिए CH4 के सामने कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है 1 मोल, और CO2 के सामने कुछ नहीं है तो इसका मतलब भी 1 मोल हो गया। इट मीन्स 1 मोल CH4 आपको क्या दे रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है, दोनों एक एक मोल ही है। अब आपको क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको 22 ग्राम चाहिए, ठीक है ना, 22 ग्राम चाहिए। तो अब देखिए, हम ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि ये 22 ग्राम हो गया है, और इसका मोल फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अगर हम इन्हें इसका मोल फाइंड आउट कर लिया कि कितने मोल ये है, ठीक है, 22 ग्राम में कितने मोल हैं, तो यहाँ भी आपको फाइंड हो जाएगा CH4 हमको उतने ही मोल में चाहिए। तो देखिए, नॉर्मली 22 ग्राम आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से, गैस से, क्योंकि आपको 1 मोल की ही रिक्वायरमेंट थी, तो हमने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, 1 मोल में कितना है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गए हैं। अब देखिए, इसको जब हम मैनुपलेट करेंगे, मतलब ग्राम ग्राम आप काट देंगे, 22 2 जा 44 हो गया, ठीक है, फिर आपका CO2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, गैस जो था ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। देन आपका आएगा 1/2 मोल, और 1/2 मोल इज इक्वल टू 0.5 मोल, ठीक है, और 0.5 मोल क्या है आपका, CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर देखिए, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए आपको 1 मोल मेथेन की रिक्वायरमेंट थी, तो अब 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करने के लिए हमको 0.5 CH4 की रिक्वायरमेंट होगी, 0.5 मोल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो एट लास्ट आपको पता चल गया कि 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 0.5 मोल मेथेन की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।